नमस्कार मित्रों, आप जानते ही होंगे कि कागज हमारे लिए कितना जरूरी है। आज भले ही टेक्नोलॉजी धीरे धीरे कागज की जगह लेती जा रही है, लेकिन अभी भी कुछ चीजें ऐसी हैं जो सिर्फ कागज से ही बनती हैं, जैसे नोटबुक, अखबार, कार्डबोर्ड, ETC। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कागज कैसे बनता है? अगर नहीं जानते तो है वीडियो देखने के बाद आप जान जाएंगे, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं साइंस फिक्शन टेक। इस माल के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, कागज मुख्यतः कपड़ों के चीपड़े, कागज की रद्दी, बांस और विभिन्न पेड़ों की लकड़ी आदि से बनता है। लकड़ी से कागज बनाने के लिए हम उन पेड़ों का चुनाव करते हैं जिनमें सेलुलोज अच्छी मात्रा में पाया जाता हो, जैसे पाइन, यूकेलिप्टस, बिर्च आदि, क्योंकि जिस पेड़ में वुड फाइबर यानी लकड़ी के रेशों की मात्रा अच्छी होती है, उस पेड़ की लकड़ी का कागज बहुत ही अच्छी क्वालिटी का बनता है। अब हम उस पेड़ की लकड़ी को जिससे हमें कागज बनाना है ट्रांसपोर्टेशन के जरिए उस फैक्ट्री में बेच देते हैं, जहां सबसे पहले लकड़ी के ऊपर की छाल को मशीनों द्वारा अलग किया जाता है। फिर इनके चिप्स के आकार के छोटे छोटे टुकड़े कर लिए जाते हैं, जिन्हें हम वुड चिप्स कहते हैं। अब इन वुड चिप्स को कन्वेयर बेल्ट के जरिए डाइजेस्टर टैंक में उबालने के लिए भेज देते हैं, जिससे लकड़ी में से लिग्निन अलग हो जाता है। लिग्निन एक सब्सटेंस होता है जो लकड़ी को कठोर बनाता है, जिससे कागज की क्वालिटी बहुत ही लो हो जाती है। इसलिए वुड फाइबर में से लिग्निन को अलग करना बहुत ही जरूरी होता है। अब बचे हुए वुड फाइबर की हम क्लोरीन फ्री ब्लीचिंग करते हैं, जिससे कागज और भी साफ और सुंदर बनता है। लेकिन हम इस ब्लीचिंग किए हुए वुड फाइबर से सीधे कागज नहीं बना सकते, क्योंकि इससे बनने वाला कागज का घनत्व बहुत ही कम होगा और क्वालिटी भी बहुत खराब रहेगी। इसलिए हम वुड फाइबर में कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि CaCO3 मिला देते हैं, जिससे कागज थोड़ी अच्छी क्वालिटी का बनता है। अब यह वुड फाइबर लुगदी में कन्वर्ट हो जाती है। इस लुगदी में हम जो कागज बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है पानी को मिला देते हैं, और 100 लीटर पानी से हम तकरीबन 1 किलो कागज बना लेते हैं, और 90% पानी को हम वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट द्वारा दोबारा से कागज बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। अब हम इस लुगदी और पानी के मिश्रण को पेपर मशीन में डाल देते हैं। अगर हमको कोई कलरफुल कागज बनाना होता है तो हम पानी में कलर मिला देते हैं, जिससे हमें कलरफुल कागज प्राप्त हो जाता है। पेपर मशीन में क्रम बाय क्रम लाइन से कई रोलर्स लगे होते हैं। इस पेपर मशीन में सबसे आगे एक हेड बॉक्स लगा रहता है, जिसमें हम लुगदी को डाल देते हैं, और हेड बॉक्स से पास होती हुई लुगदी रोलर्स के बीच में चली जाती है। रोलर्स के बीच में से निकलने के कारण लुगदी में से पानी अलग होने लगता है और वह पतली कागज की चादर में कन्वर्ट हो जाती है। और फिर आखिरी में हम कागज की पतली परत को पेपर मशीन के हॉट सेक्शन में लगे गर्म रोलर्स के बीच में से निकाल देते हैं, जिसके बाद हमको सूखी कागज की चादर मिल जाती है, जिसको हम रोटेटिंग रील के जरिए इकट्ठा करने लगते हैं, और इससे बड़े बड़े कागज के पिंडे बनकर तैयार हो जाते हैं, जिनको हम छोटे छोटे हिस्सों में काट लेते हैं, और फिर इनसे ही हमें अखबार, नोटबुक और कई तरह के कागज प्राप्त हो जाते हैं। तो आप जान गए होंगे कि कागज कैसे बनता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। धन्यवाद।